नमस्कार, मैं हूं मनीष। द न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आजकल हमारे आइलैंड में ड्रग्स के केसेस कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है और हमारे आइलैंड के कुछ युवा भी इस ड्रग्स के शिकार हो चुके हैं। ड्रग्स के नशे में ये अपने होश खो बैठते हैं और एक दुर्घटना को निमंत्रण देते हैं। ऐसे कई सारे केसेस देखने को मिले हैं जहां नशे में लोग कुछ गलत कर बैठते हैं। कई युवाओं को इसकी लत लग चुकी है और उन्हें इनसे बाहर निकालना भी नामुमकिन हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि इन्हें ये नशीले पदार्थ कहां से मिलते हैं और जो पेडलर्स हैं ये कैसे अंडमान में इन नशीले पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो भी बिना किसी रुकावट के। आज इसी विषय में एक बड़ा खुलासा करेंगे शख्स जो कि इस काम को अंजाम देते थे और इन नशीले पदार्थों को लाने में भी शामिल थे। जिस शख्स का नाम है वरुण। वरुण ने हमारे रिपोर्टर को बताया कि कैसे उन्हें लोग मारने के लिए ढूंढ रहे हैं और कैसे वो छुप छुप के अपना दिन काट रहे हैं। वरुण ने बताया कि कैसे वो वीड, माइक और कई अलग नशीले पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे और उन्होंने ये भी बताया कि वो ये सब किसके कहने पे करते थे। आइए चलिए देखते हैं वो रिपोर्ट जिसमें हमारे रिपोर्टर ने वरुण से बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि वो कौन लोग हैं जो ड्रग्स का धंधा करते हैं। नमस्कार, आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जहां पर ड्रग्स पेडलिंग के एक बंदा हमें जो मिला है जिनसे ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है और जो कि बताया जा रहा है कि इसे इस शख्स को जो है जो मेरे बगल बैठा है इस वक्त उसको बिहार से लेकर आए और यहाँ पर उससे ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है। तो उससे हम जानते हैं कि ऐसे कौन सा व्यक्ति है और कितने लोग इस ड्रग्स के मामले में शामिल है हम जानेंगे और इनसे काफ़ी हद तक ये जो है पुलिस की मदद करना चाह रहे हैं और अपने आप को ये सरेंडर करना चाह रहे हैं। तो हम बात करते हैं, तो आइए पहले जानते हैं इनको। भाई अपना नाम बताओ पहले तो। मोहम्मद सरवर अंसारी। मोहम्मद सरवर अंसारी जी। और यहाँ पर किस नाम से आपको जाना जाता है? वरुण नाम से। वरुण नाम से। तो वरुण बताओ, आप जैसे भी आप हमें बता रहे थे कि आप ड्रग्स पे डील कर रहे थे जी, तो ये आप किसके लिए काम कर रहे हो? उस्मान ये ग्यारह चरमा वाटर टैंक का वहाँ में रहते हैं। अच्छा, ग्यारह चरमा वाटर टैंक। तो अभी ऐसा क्या, हाल ही में ऐसा क्या डील हुआ था जो कि जिसपे आपको, आप पुलिस के गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हो? अभी कुछ ही महीना पहले मैंने दिसंबर में लेके गया था 2 kg ड्रग्स। मैंने यहाँ से पार्ट करा, उसके लिए बहुत मजबूरी था, वो मेरे को बहुत फोर्स करा और कुछ धमकी उमकी के पीछे वो ये काम करा वाला है। अच्छा, तो ऐसे कौन से ड्रग्स आप लेके गए और कैसे आपने पार करा यहाँ से? सर उसके लिए बहुत प्रॉब्लम आया मेरे को, जैसे कि अभी एयरपोर्ट के अंदर मेरे को 2-3 जगह चेकिंग हुआ, उस जगह से बहुत मुश्किल से निकला वाला है जी। और उसके अलावा भी उसके पास में और भी माल आया है, अभी फिलहाल में उसके पास में माल लाया, एक माल कम से कम 8-9 kg के आसपास में होएगा और गांजा। क्या माल है? गांजा। गांजा, अच्छा। और मैथ अगर ये जो ड्रग्स बोलते हैं ये भी कैसे भी 600-700 ग्राम तक होएगा। ओके, तो अभी आपसे ये काम जो है ये किस मेरे को देते थे रखने के लिए? ठीक है, क्योंकि मैं उसका बहुत ही क्लोज हो गया था। अभी 2-3 दिन पहले एक मैटर हुआ, उसके बाद उसको थोड़ा अलग लगा तो सब सामान एक जगह सीज करके रखा है और मैं भी अभी 11 चरमा नहीं जा सकता, वहाँ का लड़का लोग मेरे को मारने के लिए ढूंढते हैं। बट ऐसा क्यों? वहाँ का एक लड़का को पड़े मैंने हाथ उठाया, खुद को जाकर सरेंडर भी करा, उससे मैटर सॉल्व हो गया, लेकिन लड़का लोग नहीं मानता जब तक मेरे को नहीं मिलता, हम उसको नहीं मिलता, मेरे को मारने के लिए सब ढूंढते हैं। अभी उस्मान आकर मेरे को ढूंढता है इसलिए ताकि उसको बचना है, हमको लड़का लोग को हवाले करेगा तब जाकर उस्मान उसको छोड़ेगा वो लड़का लोग, क्योंकि सब समझता है कि हम उस्मान के पास में काम करते, तो उस्मान ही मेरे को चढ़ाया, उस्मान मेरे को मारने के उसको मारने के लिए मेरे को भेजा, ऐसा सब लड़का लोग समझते। पहले आप हमें ये बताइए, आपको उस्मान क्या बोल के बिहार से अंडमान लेकर आए? नहीं नहीं, वो बिहार से अंडमान बोलने से इसलिए कि मेरा यहाँ जो टायर वगैरह कटता है वो टायर आकर चेन्नई में सप्लाई करता है, ऐसा बोल के मेरे को बुलाया। ठीक है, पहले इधर में था, मैं टायर का काम करता था उस टाइम, मेरे को जमाल उसके पास में रखा काम में, तो काम उम करके अपना आता जाता था, फिर उसके बाद मिलन गया
सामान वामान लेकर, उसके बाद हम नहीं आने के लिए सोचा था, लेकिन उसका पास में पैसा वैसा फंसा था, वो भी बहुत फोर्स करा और वो काम नहीं करेंगे, सब बंद कर देगा, अपन जो मेहनत से कमाएगा खाएगा करके बुलाया मेरे को, हम भरोसा करके आया, फिर से वही काम मेरे को करने के लिए बोलते, लेकिन और नहीं करना चाहता मैं। तो यहाँ पर अभी अंडमान पे आप कितने हद तक आपने कितने लोगों को सप्लाई करे? बहुत सारा लोग को सप्लाई करा, लेकिन नाम से हम जल्दी किसी को जानता नहीं, उतना हमसे मिलता नहीं, हम मेरा काम करता हूँ वहीं में रहता, मेरे को जो सामान देता अगर बोलता है ये लड़का आएगा मेरे को बात करा दो, वो लड़का फ़ोन करेगा उसे बात करा दो, उसको सामान कितना देना बताएगा, बस इससे ही चलता था। नहीं तो अभी जो इस वक्त आप ये बता सकते हैं कि उस्मान जो बंदे का नाम बता रहे हो आप, उसके साथ और कितने बंदे शामिल है? उसके साथ तो है, लेकिन उसको कभी हम फेस टू फेस मिला नहीं, और जो भी है वो कांटेक्ट में सबसे बात करते जाते कॉल वॉल कर। तो आपको ये सारे ड्रग्स कहाँ से दिया जाता है? वो डिगलीपुर नॉर्थ एरिया से कहीं से आता करके ऐसा मेरे को अपने मुंह से बोला, लेकिन अपना आँख से नहीं देखा, अपना कान से नहीं सुना, तो कैसे हम विश्वास करेंगे, वो खुद बोलता बोला, लेकिन माल हुआ आता अभी भी है। तो नहीं, आपको ड्रग्स आपके हाथ में कौन देता है और कहाँ कहाँ पर बुला के देता है? मेरे हाथ में उस्मान ही देता। अच्छा, और वो अपने घर पे या उसके कोई ऑफिस? घर पे ही देता था, तो घर का पीछे हम उसको अपना घर में शिफ्ट करते थे, उसके घर का पीछे एक छोटा रूम लेके दिया मेरे को जो भी है, तो उस रूम में हम शिफ्ट करके रखा था अपने पास सेफली जी। हाँ, तो अभी जो परसों झगड़ा हुआ था वो लफड़ा के पीछे, वो माल मेरे से पूछा, हम उसको दिया, वो कहाँ रखा नहीं रखा मेरे को नहीं पता। तो ऐसा सुनने में ये भी आ रहा था कि वो अपने घर के वहाँ पर गांजा का पेड़ वेड़ भी उगा रहे? वो पेड़ का फोटो भी है मेरे पास जी, मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये आप हमें दिखाएगा? ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये गांजा का पेड़ है तो, और एक फ़ोटो है जी, ये क्या है? वो भी गांजा का ही है, वो जूम करके निकाला और ये ऐसे ही निकाला हुआ। ये उसके घर के बाहर का, ये घर का अंदर का, ग्राउंड का अंदर का। ओके okay. उसका जो घर का रेलिंग है उसका अंदर का ही है। ओके okay. तो अभी आप क्या चाह रहे हैं आप? मैं खुद को सरेंडर करना चाहता जो भी है, और मैं ये गलत काम नहीं करना चाहता, बस जो मुझसे गलती हुआ कानून के साथ सामने जाकर बस एक बार जो भी है माफ़ी भी मांगे, जो सजा होगी हम सजा काटने के लिए रेडी बस। तो आप कानून की मदद करना चाहेंगे इस चीज़? जी जी, कानून के लिए हम जो भी करना पड़ेगा हम करेगा, हम बहुत ही शर्मिंदा हम ये सब काम कर। क्या आपके घर वालों को पता है कि आप ये सब काम करते हैं? नहीं नहीं, उनको पता रहने से हमको कभी इधर नहीं आने देते थे। अच्छा, तो अभी आप हाल ही में आपके उस्मान से या उनके किसी भी सदस्य से बात हुई आपकी? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं हुई। तो आपके उस्मान से अभी हाल ही में कोई बात हुई है आपकी? थोड़ी देर पहले मेरे को कॉल आया था, मुझे मिलने के लिए बोलते हैं, और मैं उनसे मिलना नहीं चाहता, मैं पूरा डरा हुआ हूँ, अभी दो दिन से मैं छिप कर ही है कि मेरे को लड़का लोग मारने के लिए ढूंढते हैं, और वो मेरे को अगर किसी उस लड़का लोग को हवाले करेगा तो वो बच नहीं सकेगा, इसलिए वो मेरे को ढूंढते हैं, और अगर हुआ मैं जाएगा तो वो मेरे को मार सकता है, या तो फिर वो लड़का लोग को देकर वो खुद बचना चाहेगा, इसी वजह से मैं नहीं जाना चाहता, और मेरे को कोई हेल्प नहीं करता था। अभी बाई चांस मेरे को फ्रेंड मिला, वो आपके बारे में बताए, इसलिए आपसे कॉन्टेक्ट करा, आपके पास आया। जो भी हम सरकारी गवाह बनना चाहता, अभी अपने आप को सरेंडर करना चाहता। तो अभी अगर उस्मान आपको कांटेक्ट करेंगे तो क्या आप ये जानकारी पुलिस वालों को दे सकते कि इस वक्त उसका ठिकाना कहाँ पर है? ज़रूर। तो जैसे कि अभी पुलिस वाले आपसे अगर मुलाकात करते हैं आप, जैसे या फिर आप उनको सरेंडर करते हो और आपसे उनका ठिकाने का बारे में पता करें, तो क्या आप उनको खुलेआम बता सकते हो? जी जी ज़रूर। तो जैसे कि आप हमें बता रहे थे कि आपके साथ आपके मतलब लाइक उस्मान के अलावा हम वहाँ नहीं जाएगा, वो मेरे को जहाँ बुलाया हम वहाँ नहीं जाएगा, लेकिन वो मेरे को लेने के लिए आएंगे क्योंकि उनको अभी मैं ज़रूरत है, और उनसे अभी बात हुआ, थोड़ी देर पहले मेरे को बोलते थे कि सडनली तुमको टिकट बना के हम मिलन भेजेगा गढ़कर। अच्छा, हाँ, तो क्योंकि उसको आपसे खतरा है कि आप अगर आप पुलिस के हाथ पे आ गए तो आप सारे वो मेरे को जहाँ तक लगता है वो मेरे को मिलने नहीं भेजेगा, वो लड़का लोग को हवाले कर देगा, वो लड़का लोग अगर उसके हाथ में चला गया तो मेरे को वो सब मार देंगे फिर। अच्छा, तो जैसे कि आप हमें बता रहे थे जो कि उस्मान के साथ एक और बंदा है जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे जो आपको लेने आ रहे थे। हाँ, वो उसका नाम असलम है। ओके, कोई जगह में बाजार साइड में कहीं रहता है राउंड बस्ती के इधर में, लेकिन जगह का नाम मेरे को एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन घर बता सकता घर का मैं। ठीक है,
तो अभी आप फ़िलहाल के लिए आप क्या करना चाहेंगे, जैसे आप यहाँ कब तक छुपे रहेंगे? सर मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, जो भी हम जल्दी खुद को सरेंडर करना चाहता है, जो भी है इस पर एक्शन लिया जाए, हम और बाहर नहीं इस तरह घूम सकते हम, मेरा जान का बहुत खतरा है। तो क्या आप शर्मिंदा है इस काम करते हुए जो आपने? मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ इस काम से, और दोबारा ये काम नहीं करना चाहता, मजबूरी में आके करा हुआ है, मेरे को धमकी दिया गया था बस इसलिए करा, और माल गांजा पेड़ का फ़ोटो था मेरे फ़ोन में, इसलिए मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया गया है, पूरा 4 महीना भी नहीं होता मेरा फ़ोन लोन में फ़ोन है जी। मेरे को इसका भी पैसा भी सही से नहीं बांधा है, उसके लिए मेरे को रोज़ कॉल पे कॉल आते हैं। तो पैसे आप जब आप बता रहे हो जैसे कि पेमेंट सही से नहीं मिलता, तो हम पैसे कहाँ से बांधेगा सर? 4 महीना हो गया रूम रेंट मेलन का नहीं बांधा, मम्मी लोग भी रेंट से रहती है मेलन में, मजबूरी में आके सब करा। ऐसे क्या मजबूरी थी सर? घर को देखने वाला भी एक मैं ही हूँ, पापा नहीं है, कोई नहीं है। अब पेमेंट जो मिलता उसमें कुछ नहीं होता था, मेरे को बहुत फोर्स करा गया कि काम करेगा तो तुमको इस तरह से होएगा, तुमको कुछ हम करके देगा, लेकिन एक बार कह रहा थोड़ा आके फैमिली के बारे में सोच के करा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और मेरा पैसा सब भी अभी नहीं मिला कुछ, और ये काम हम नहीं करना चाहता। जो भी हम अपना मेहनत के दम पे, आज नहीं तो कल 10 दिन बाद या 100 दिन बाद हम जो भी है आराम से कर लेगा, मेहनत के दम पे करना चाहता और ये सब काम नहीं करना चाहता। तो अभी आपने, आपके पास कोई बड़ा कंसाइनमेंट जो हाल ही में आपने कुछ करा हो, या फिर आपने अंडमान में कोई बड़ा कंसाइनमेंट मंगवाया है, या आप अंडमान से कहीं कुछ और बाहर कहीं भेजा हो? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जो दिसंबर में मैंने माल लेकर गया था यहाँ से 2 kg पत्थर ड्रग्स, 2 kg पत्थर कोलकाता मैंने पहुँचाया ठाकुर नगर, उसका फ़ोटो भी है मेरे पास जिसको मैंने पहुँचाया था। 1 मिनट, ये इस बंदे को बेचा है जी। ओके, तो आपने इनको 2 kg पत्थर जो है यहाँ से अंडमान से लेके गया जी? अंडमान से कैसे लेके गए थे आप? उसके लिए मेरे को बहुत बोले थे कि बहुत प्रॉब्लम आया, लेकिन फिर भी हम डरा नहीं जो भी वो ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन आप यहाँ से पार कैसे करवाए? फ्लाइट से तो मतलब एयरपोर्ट में आपकी चेकिंग है? एयरपोर्ट में चेकिंग हुई, लेकिन उसमें पूजा का सामान लेके जाता था, उसको मैंने बोला कि ये पूजा करने का सामान है, आगे में रख के जलाता वाला है, फिर वहाँ बोले कि ये जलाता हुआ चीज़ नहीं लेके जा सकते फ्लाइट में, डस्टबिन में डाल दो या तो जिसका है उसको रिटर्न कर दो करके। तो मैंने नॉर्मली वहाँ में 5 मिनट या 6 मिनट फ्रेंड से बात करा, ऐसे ही नॉर्मल बात कर, उसके बाद वॉशरूम गया, वॉशरूम जाने के बाद वो पैकिंग करा अपने बैग में, हैंडबैग में पैकिंग करके फिर से बॉडी पास के लिए गया, वहाँ भी मेरा बैग में स्कैनिंग करा तो चेक, वहाँ भी उसको डाउट हो गया था, मेरा बैग सेट कर दिया, एक मिलिट्री वाला दूसरा बैग चेक करता था और दूसरा एक मिलिट्री वाला आया, मेरा किस्मत था वो बैग उठा के ऊपर रखा, हम वहाँ से लेके निकल गया था। ओके, तो आपने फिर जब कोलकाता उतरे तो आप सीधा उस बंदे को जाके आपने दे दिया था? हाँ, उस बंदे को, उस बंदे के साथ हम था 2 दिन, उसका रूम में था, पैसा लेना था इसलिए। कितने रुपए का माल जो आपने बेचा है, ये कितने रुपए का? फोर्ड व्हीलर में उसका अभी का डेट में 80 लाख रुपए कीमत है, और दिल्ली जाने के बाद एक 10-12 करोड़ रुपये है। 10-12 करोड़ रुपए का जो आपने सामान बेचा है यहाँ से, और तो इस टाइम उस वक्त पे कोई पुलिस वालों ने जो है किसी ने जाँच नहीं की थी? सर इस बारे में हम 2 बार खुद सरेंडर करने का और कंप्लेन भी करा, मैंने सरेंडर करने की कोशिश किया, लेकिन कोई कंप्लेन नहीं लिखता है। क्यों? इसमें कुछ पुलिस वाला इन्वॉल्व है। आप बता सकते हैं कि ऐसे कौन सा पुलिस वाला जो इन्वॉल्व? उसमें से कुछ को हम नाम से नहीं जानता, दिखने से हम बता सकते हैं, और एक का नाम जानता है और फुल प्रूफ है उसके बारे में मेरे पास, उसका नाम राजा है, ऐसे नॉर्मल सा बुलेट राजा करके बोलते हैं। ये कौन से थाने में बैठते हैं? राजा उस्ताद करके है, पहाड़ गांव का राजा उस्ताद करके। तो आप हमें ये बताना चाहेंगे कि अगर ये सामने से आ गए तो आप सब सारे पुलिस वाले जो भी जितने भी लोग मिले हुए, तो आप उनको बता पाएंगे कि ये लोग ही मिले थे उनके सामने भी अगर बोलना पड़े तो हम बोलेंगे, क्योंकि अभी डायरेक्ट हम थाना इस और नहीं जाने सकता, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि हम जो भी एक बार 2 बार कंप्लेंट करा था, लेकिन इसके वजह से मेरा जान का खतरा और भी ज़्यादा हो गया। अच्छा, तो ये चीज़ आपके मन में अभी क्यों आई? ये चीज़ आपने पहले क्यों नहीं किया था? जब पहले भी करा, लेकिन कोई साथ नहीं देता, कोई पुलिस वाला, सब मिले हुए, फिर मेरे को बाद में बोला कि डायरेक्ट DGP के पास जाओ, फिर DGP का ऑफिस मेरे को कुछ खबर नहीं, कहाँ है नहीं है, और जाने देगा या नहीं DGP के पास, क्योंकि एक मामूली सा लड़का, एक
मिडिल क्लास का, वो एक ही बार डीजीपी का ऑफिस जो भी रहता है प्रॉब्लम थाना जाने के लिए सब बोलते हैं, डीजीपी के पास कैसे जाएगा ये सोच के हम नहीं जाने सकता हूँ हमें, और यहाँ से निकलना मेरे को बहुत मुश्किल होता था, बड़ा मुश्किल से आपके पास पहुँचा मैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए अगर जब पुलिस वाले के सामने आपको बयान देना पड़े तो आप अपने बयान से पलटोगे तो नहीं? नहीं नहीं, जो भी है सच बताइए। ठीक जी, धन्यवाद। तो ये थे शरूर उर्फ वरुण, जो कि ऐसे ड्रग्स के केस में ये फंसे पड़े हैं जहाँ पर इनसे ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है, जो उस्मान नाम के व्यक्ति है जो कि बहुत बड़े पेडलर जाने जाते हैं, और इनके ऊपर हमें जहाँ हमें पता चला है कि एक मर्डर केस भी इनके ऊपर आरोप लगा हुआ है, बट वो अभी तक स्थित नहीं हुआ है। जहाँ ये वरुण जो है अपने आप को बेगुनाह साबित करने के दौड़ पे लगे हुए और पुलिस को सरेंडर करके सारी सच्चाई और पुलिस को इनके ठिकानों के बारे में, इनके सारे धंधों के बारे में बताने के लिए राज़ी है, जहाँ ये एक अप्रूवल बन रहा है पुलिस वालों के लिए, जहाँ अंडमान गवर्नमेंट के लिए, तो वहाँ पर इस वक्त ये व्यक्ति छुप के बैठे हुए, बिकॉज जैसे इन्होंने हमें बताया कि इनकी जान को खतरा है और कुछ लोग जो है इन्हें मारने के लिए ढूंढ रहे, तो जैसे अभी हम इनसे बात कर रहे हैं तो इन्होंने हमें ये भी आश्वासन दिया है कि ये आज शाम तक जाके जो है पुलिस वालों को जो है सरेंडर कर देंगे और बाकी सारी सच्चाई जो है उनके सामने रखेंगे। तो इसी के चलते हम इस केस में और भी आगे जो भी ग्रोथ होगा हम आपको बताते रहेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं कैमरामैन के साथ अखिल छाबड़ा, द न्यूज़। तो आपने देखा कि वरुण ने बताया कि कौन कौन इस ड्रग्स के धंधे में शामिल है और कैसे उन्हें बिहार से यहाँ बुलाकर ये ड्रग सप्लाई का काम करवा रहे थे। वरुण अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाह रहे हैं और अपना गुनाह भी कबूल करने की बात कर रहे हैं। वरुण खुद शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो इस ड्रग्स के धंधे में शामिल थे। हम चाहेंगे कि कंसर्न अथॉरिटी इस पर गौर फरमाए और इस मामले में जांच करे ताकि ऐसे ड्रग्स डीलर्स और ऐसे काम ना करे जिससे हमारे आइलैंड के बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाए। इस बुलेटिन में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मैं मनीष आपसे विदा चाहूंगा, नमस्कार।